कैसे आप दोस्त? बच चुके हैं शाम के साथ और मैं जा रही हूँ खाना बनाने। आज खाने में दाल चावल, रोटी और करेली की भुजिया बनाऊंगी मैं, राइस। आप लोग ब्लॉग को देखते नहीं हैं, लाइक कमेंट भी नहीं करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, तो यही नहीं समझ में आता है ऐसा क्यों करते हैं। फ्रेंड आप लोग देखा करिए ना, लाइक कमेंट भी कर दिया करिए, और कैसी लग रही होगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कंटिन्यू बने रहिए मेरे ब्लॉग में, दिखाते हैं आज हम करेले की सब्ज़ी, दाल चावल रोटी भुजिया का ब्लॉग बना रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और लाइक कमेंट बार बार कर करिएगा। आप मेरी वीडियो को पूरा वॉच करिए, ठीक है। इस करेला में जब तक प्याज नहीं डालो करेला मजा नहीं देता है, इसलिए प्याज हम जरूर डालेंगे, थोड़ी करवाहट भी इसकी कम हो जाती है। जल्दी जल्दी काम करना होता है, हम थक गए हैं बहुत ज्यादा, मन कर रहा है। देखिए करेला कट गया है, चावल यहाँ चढ़ा पड़ा है, दाल यहाँ है, आटा मैंने सुबह का ही गूंद रखा था। देखिए इतने आटे में रोटी हो जाएगी, तबीयत मेरी बहुत सही नहीं लग रही है, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है, बिल्कुल बहुत हालत ख़राब है, पेट भी एकदम सूजा हुआ है, कुछ समझ नहीं आता है, तबीयत ऐसे ही ख़राब हो जाती है, खड़ा होने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है। चल रहे ऑफिस में बैठेंगे थोड़ी देर। क्या कर रहे हैं अंकित? अनिकेत दिन भर फोन के चक्कर में पड़ा रहता है फ्रेंड, समझ में नहीं आता है लड़का। अनिकेत एंड बंटी तीनों फोन चलाने में बहुत व्यस्तता दिखाते हैं। तो और बताइए फ्रेंड आप लोग कैसे हैं? क्या कर रहे हो तुम? उसे तोड़ दोगे तो हम कपड़ा कैसे काटेंगे यार? तो क्या कर रहे हो? कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा आज मुझको, बहुत दिमाग टेंशन में है मेरा। फ्रेंड पता है बहुत टेंशन रहता है, लेकिन मैं किसी को बता भी नहीं सकती हूँ, क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। आप लोग लाइव में भी नहीं जुड़ते, मेरे बात भी आप लोग अच्छे से नहीं करते मुझसे। करवा चौथ भी आ गई है, करवा चौथ की तैयारी करनी है, साड़ी कपड़ा सब। साड़ी है मेरी दीदी, मेरे को साड़ी एक दी थी, वही साड़ी का ब्लाउज मैं सिलूंगी, तब उसी से वीडियो, अरे नहीं सॉरी, उसी से करवा चौथ की पूजा कर लूँगी मैं। क्या साड़ी कपड़ा लेना, जैसे तैसे गरीबी मौज में कर लें, पैसे का बहुत दिक्कत चल रहा है। और बताइए गाइस आप लोग, एक तो त्यौहार भी एकदम कंटिन्यू आता है, अभी तीज खत्म हुई है, तब तक पता नहीं क्या क्या आया गया, नवरात्रि अभी ख़त्म हुई, तब तक करवा चौथ आ गया, उसके बाद दीपावली आ जाएगी, उसके बाद ना जाने कितने त्यौहार आ जाएंगे, बहुत सारे त्यौहार आते जाते रहते हैं, कंटिन्यू आते रहते हैं। और आप लोग बताइए आप लोग का क्या हाल है? मेरा तो ऐसे ही है, जो मेरी सोच थी वो मैंने आप लोग को बता दी। ये देखिए पूजा का भी तेल ख़त्म हो गया है, मैं ये पूजा में यूज करती हूँ। आज मैं पूजा नहीं करूँगी गाइस, क्योंकि मैंने खाया था दोपहर में चिकन, तो पूजा नहीं करूँगी। ये तेल 200 रुपये का आता है फ्रेंड, देख लीजिए 200 रुपये का ये तेल है, अब इसके इससे पूजा करना है, मंगाना है, तिल का तेल है ना, उससे पूजा करती हूँ मैं।
खर्चे पे खर्चा बढ़ा जा रहा है, कमाई जीरो है, खर्चा 1 रुपया है, समझ ही नहीं आता, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। चलिए बने रहिए आप लोग, ब्लॉग में दिखाते हैं आगे का। सब्जी पक रही है मस्त एकदम, और यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ अभी। जल्दी जल्दी रोटी सब्जी पक जाए, इसमें दाल फ्राई कर दें, बस खाना बन जाएगा मेरा। जैसे तुम पास लाओ वैसे पचन जाती है मेरी। दाल वगैरह सब फ्राई हो गई मेरी, सब खाना बन गया है। दाल एकदम मस्त फ्राई कर दिया मैंने। यहाँ करेले की भुजिया इतनी थोड़ी सी बनाई है, चावल बर्तन भी मैंने धो लिया, यहाँ पे रोटी भी डलिया में पड़ी हुई है, बन गई है। सिरहाने रख के बैठा रहेगा इसी तरह से, और एक जन यहाँ पे बैठे हैं अपना नाखून चबा रहे हैं, ठीक है। और वो पता नहीं कहाँ गए हैं, चलते हैं उनको भी दिखा देते हैं आप लोगों को। देखिए एक लोग यहाँ सो रहे हैं। इन लोगों को कापी किताब बिल्कुल नहीं उठाना, पढ़ना लिखना नहीं है, खाली सोना है। देखिए कैसे मुँह छुपा के जा रहे हैं, देख लीजिए, देख रहे हैं ना। ये तीनों लोगों को पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ मत बोलो, खाली मोबाइल ले लेते हैं सर, दिन भर गेम फ्री फायर यही एक बच्चे खेल रहे हैं। एकदम हमको परेशान कर दिए हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आता कि इनको कैसे समझा पाएंगे। कभी कभी दिल करता है कि हम घर छोड़कर कहीं चले जाएं और इन लोगों से कभी मिले ही ना, बात ही ना करें। एकदम हम दुखी हो गए हैं बहुत ज़्यादा। एक तो हमारी तबीयत सही नहीं रहती, हमारे पैरों में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, फिर भी हम इन लोगों के लिए खाना बनाना सारा काम निपटाते हैं। चल छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, इनको कोई दिक्कत ना हो, लेकिन इनको बिल्कुल समझ में नहीं आता है, एक भी काम नहीं कर सकते हैं लोग, खाली दिन भर मोबाइल फ्री फायर ये गेम वो गेम, स्कूल की अनाप शनाप बातें ये सब आता है इन लोगों को। मैं एकदम बहुत परेशान हो गई हूँ गाइस, फिर कुछ नहीं समझ में आता है मैं क्या करूँ। एक तो मेरी इतनी एज में मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती है कि मेरे को समझ में नहीं आता है। अपनी दवाई के लिए पैसे नहीं हैं, इनको किसी तरह पढ़ा रहे हैं, लेकिन इन लोग को फिर भी नहीं समझ में आता है, क्या करें कैसे करें। खाना भी देखिए बना लिया गाइस, अब चल रहे हैं। बच्चों ने मेरा हेडफोन ख़राब कर दिया है, क्या बताएं, एकदम पागल कर देते हैं मेरे को बच्चे मेरे। मेरे को समझ नहीं आता कि कैसे बच्चे हैं, इनको किस हिसाब से मैं समझाऊं। पूरा दिन मोबाइल लेके पड़े रहते हैं, कोई बात नहीं सुनते हैं, बड़ा वाला तो और नहीं सुनता, और ये दोनों तो और आफत एकदम मचा दिए हैं, एकदम पगलवा दिए हैं हमको। तो फ्रेंड ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।